न्यूज़ पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। झांसी में देवी अहिल्याबाई की 296 जयंती पर बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया, जहां एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी ने जीवन सार स्थित उनकी प्रतिमा पर माल अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर समाजसेवी संदीप सरावली ने उन्हें याद करते हुए कहा कि 18वीं शताब्दी में जहां स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, जहां बाल विवाह व सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ चरम सीमा पर थीं, उन कुरीतियों के खिलाफ माँ अहिल्याबाई ने आवाज़ उठाते हुए उन्हें खत्म किया था। इस दौरान मनोज रेझा, मनीष सिंह सहित सभी बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। संदीप सराहोगी सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, उत्तर प्रदेश वासी, बुंदेलखंड देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज माँ अहिल्याबाई जी का 296वीं जयंती पर हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन मेरे समस्त साथीगण यहाँ पर उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से हम लोग सूक्ष्म रूप में माता राजमाता अहिल्याबाई जी का जयंती पे जो हम लोग इकट्ठे हुए, तो कमी लोग आज इस रूप में इकट्ठे हुए हैं। 18वीं शताब्दी में झांसी से आर्य शर्मा की रिपोर्ट।